तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया धड़कता भड़कता एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का। एक मिनट, ये आवाज किसकी थी भाई? कोई स्पिरिट आई नो है क्या आजू बाजू? वेट लिमिट, अरे नेमलेस, वाह भाई, टट्टी नेमलेस ने भाई वो स्पिरिट वाला आवाज निकालता है यार जब भी बॉम्ब डालता है। छोड़ो, चलो। तो गाइस, आप सबका स्वागत है प्राइमल फेयर के एक और नए एपिसोड में। प्राइमल फेयर के पिछले एपिसोड में थर्ड कोलोसिस बॉस जो था, हाई कोलोसिस, उसको हमने हराया था। और आज हम यहाँ पे फोर्थ कोलोसिस बॉस जो है ना गाइस, जो कि इलेक्ट्रिक कोलोसिस, उसको हराने का काम करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो भाई एपिसोड आएगा उसमें डायरेक्ट द एंड करेंगे प्राइमल फेयर का। मतलब द एंड एग्जैक्टली होगा नहीं, क्योंकि गाइस उसके बाद हम लोग कुछ डायनोस को भी टेम करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस, उसके बाद हम लोग जो है ना गाइस पीवीपी प्राइमल फेयर भी पूरा एक दिन जो है ना गाइस खेलने वाले। और गाइस अगर उसमें ज़्यादा मज़ा आया तो थोड़ा सा दो तीन दिन और चलाएंगे आगे उसको। तो चलिए गाइस, आज का जो एपिसोड है वो बिना किसी देरी के शुरू कर दे और मचा डाल दे बुल्लू दबाई। वैसे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एडी के चैनल पे एक खतरनाक सी वीडियो आ चुकी है हमारी, ज़रूर देखना गाइस। और गाइस एडी के 80,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा होगा फटाफट के सब्सक्राइब करके 80,000 का गोल कंप्लीट करा देना यार। तो चलिए भाई लोग, अभी मेरे को क्या करना है बताया क्या? अबे यार, इसने अपनी भाई ये एबिलिटी चालू कर ली मेरे को, रुक जाओ। ओके क्या ठीक, अरे हेमलेट को ठीक कर ले भाई। ओके हेमलेट ठीक कर लिया है, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोलोसिस जो है ना उसको बनाने वाला हूँ। कोलोसिस बनाने के लिए मेरे हिसाब से सारा सामान तुम्हारे भाई के पास पड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं अभी फाइनल, एक मिनट रुक जाओ, पहले कोलोसिस को ले ले भाई, पहले इस कोलोसिस को ले ले। अगर अभी मैं फाइनल बॉस को बनाना चाहता हूँ जो कि पिकॉन रिवेंज, ठीक है, अगर मैं पिकॉन रिवेंज को बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको बना सकता हूँ? नहीं, मेरे को इसको बनाने के लिए, ओके मेरे को इसको बनाने के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि मेरे पास क्योस और तो भाई है, स्पिरिट और भाई, आइस और भाई ये भाई इनके ही ये चाहिए होंगे खाली मेरे को, आइस, कॉस्टिक, फायर एंड इलेक्ट्रिक भाई। और इलेक्ट्रिक वाला जो है ना गाइस, वो अभी तक मिला नहीं है, वरना वो मर जाता, मतलब बन जाता गाइस अभी, ठीक है। चलो गाइस, तो अभी भाई सबसे बड़ा सवाल कि ये इलेक्ट्रिक वाले कोलोसिस को मारेगा कौन? तो गाइस मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक कोलोसिस काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अबे यार ये कहाँ टीपी मार लिया भाई, रुको, जन्नत पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक कोलोसिस को मारने के लिए भी हम लोग काफी खतरनाक वाले डायनो का यूज करने वाले। जैसे पब्लिक बोल रहे हैं भाई फ्यूरॉक्स किधर है, हमको फ्यूरॉक्स की फाइट दिखाओ, फ्यूरॉक्स की फाइट दिखाओ, तो आज तुम्हारा भाई तुमको यहाँ पे फ्यूरॉक्स की फाइट दिखाएगा भाई, ठीक है। रेडियो गाइज, असेंडेड सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स, बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है इसके गाइस, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मर गया ना तो जो भी बोल रहे थे ना फ्यूरॉक्स से फाइट लो भाई, उनके ऊपर बिल फाड़ूंगा सीधा मैं गाइस, ठीक है। इसके बचने के चांसेस काफी कम है, अगर इसको भाई झटका सिंह का झटका लगा तो समझ लेना गाइस कि हमारे फ्यूरॉक्स की पेटी बन गई डायरेक्टली वहीं पे, तुरंत भाई, ठीक है, तुरंत पेटी बन गई समझ लेना भाई, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे मेरा बम वाला अटैक और कोई भी अटैक वर्क नहीं करेगा अगर एक बार मेरे को झटका लगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को झटका ना लगे और मैं यहाँ पे उस कोलोसिस बॉस को मार पाऊंगा, ठीक है। सो तो फिर गाइस रेडियो यहाँ पे एकदम फुल टू तबाही मचाने के लिए, मैं तो काफी ज्यादा रेडियो और थोड़ा सा डर भी लग रहा है मेरे को कि यहाँ पे जो ना गाइस मैं मर सकता हूँ, मैं मारा चल जाएगा बट मेरा फ्यूरॉक्स नहीं मरना चाहिए। देखते चलो गाइस कि होता क्या है, आज जो ना गाइस अपन लोग यहाँ पे उस कोलोसिस को मार पाते कि नहीं देखते चलो, आ जाओ लेट्स गो रेडियो गाइस, आ जाओ। ओके, इलेक्ट्रिक कोलोसिस वर्सेस अपना खतरनाक सा असेंडेड सिलेस्टियल वाला फ्यूरॉक्स भाई, पावर अप कर ले पहले, डन, पावर अप कर लिया मैंने। एंड मैं अब इसको बुलाने वाला हूँ भाई, ठीक है। हेल्थ कितनी है? 11 मिलियन हमेशा की तरह, 11.3 मिलियन भाई, ठीक है। लुक देख लेना लोंडे का, ये मेरे ऊपर अटैक करे उससे पहले मैं अटैक करूंगा। बम डाला, गया, मरा मरा, कम ऑन मरा भाई, स्टन किल भी नहीं पा रहा ड्यूड, नहीं बक जा, पैरों के नजदीक चल, ब्लाइंड स्पॉट इसका पैरों के नजदीक है, गया, लोले लगा गाइस, स्टन भाई हिल नहीं सकता, कम ऑन डाबे और एक स्टन, गया, लोले लगा गए, लोले लगा गए, बाप रे कितने कितने लोले लगाएगा, हाँ आ भाई गया, माकिया स्टन डाले जा रहा है,
डाले जा रहा है, डाले जा रहा है भाई। सिरॉक्स बगने का मौका है कोई? बग जा, बग सकता है तो बग जा, कम ऑन। वो खुद ही बग गया, लकी लकी मी गाइस, वो खुद ही बग गया भाई। बाप रे, मेरे फिरॉक्स की आवाज टाइट है, पावर डाउन कर भेज क्या भाई। भाई भाई भाई, बाल बाल बचाओ बे, बाल बाल बचाओ। हिलने का मौका नहीं दे रहा था, हिलने का मौका भाई। मजाक कर रहे मेरे साथ? बाप रे, उरी मैया, ले बेटा स्टिमुलेट गिला दिया है, वापस से गाइस मेरे को जाना पड़ेगा। और भाई फिरॉक्स से ही मार के रहूंगा मैं उसको, चला जाऊं भाई उसको तो मैं फिरॉक्स से ही मार के रहूंगा, कुछ भी हो जाए भाई। ठीक है लोंडे, ले ले इस बार एक दो भाई, डाल डाल एक दो, हां नाइस भाई, डाल दे डाल दे डाल दे, बम डाल बम डाल बम डाल बम डाल, बस क्या डाल बम, मैं की अच्छी है, बम चिकी चिकी बम बम। ओ ओ दूर फेंक दिया, काफी बढ़िया, मैं जितना दूर जाऊंगा उससे उतना मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा गाइस। ठीक है बम डाल, ले ले बेटा बम चिकी चिकी बम बम, बोलते ब्रो बम चिकी चिकी बम बम, दिखाए कुछ नहीं दे रहा। ठीक है स्लो हो चुका हूँ, स्लो हो चुका हूँ। बग बेस क्या ग्रिफिन के बच्चे, फाड़ दूंगा तेरे बच्चे भाई, चला जा जल्दी जल्दी, चल जल्दी चल, बम डाल इसके ऊपर। ले बेटा कल आना, कला कल आना, खत्म बेस की याद। सबसे ज्यादा लंबी अगर कोई फाइट चली है ना तो इसी कोलोसस की फाइट चली है गाइस। ठीक है मैंने बोला था ना काफी ज्यादा खतरनाक वाली फाइट यहाँ पे देखने की मिलेगी। वैसे ग्लिच हो चुका है यहाँ पे गाइस, ये देखो भाई। अबे यार, अबे व्हाट द, अबे यार ये क्या हुआ? अच्छा ये ग्लिच हो गया था, उस रीजन से जमीन के अंदर लेके जा रहा था हमको। अभी ठीक है गाइस, भाई सबसे ज्यादा खतरनाक जो ना गाइस इलेक्ट्रिक कोलोसस होता है, मैंने आपको बोला ही था पहले भाई। पावर अप, ओ पावर अप के बाद वो पावर डाउन करा रहा था मेरी क्या? मेरे को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक वाला कोलोसस मेरी जो ना गाइस वो पावर डाउन करा रहा था बार बार, उस रीजन से भाई काफी ज्यादा दिक्कत हुई मेरे को। हाँ शायद भाई, और मेरे को जो ना इलेक्ट्रिक वाला गाइस जो टोकन होता है वो मिल चुका है, और इससे हम लोग फाइनल बॉस, आपको बताइए गाइस कौन सा फाइनल बॉस है, बताने की जरूरत है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था पिकॉन रिवेंज, उस बॉस से हम लोग यहाँ पे रिवेंज लेने वाले अगले वाले एपिसोड में भाई। ठीक है ये बात मेरी याद रखना, और अगले एपिसोड में अपना कोई ना कोई डायनो मर के रहेगा भाई, ये बात भी साथ में याद रखना गाइस। ठीक है कोई ना कोई डायनो मर के रहेगा, और अगले एपिसोड में मैं अपने फ्यूरॉक्स को ही यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अपना जो फ्यूरॉक्स देख रहे हो गाइस, इसी फ्यूरॉक्स से मैं अगले वाले एपिसोड में जो ना गाइस यहाँ पे फाइट लेने वाला हूँ। एंड मेरे को बता नहीं गाइस कि फ्यूरॉक्स जो ना गाइस वो यहाँ पे टिक पाएगा कि नहीं गाइस। ठीक है मेरे को बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि वो जो बॉस होता है ना उसका एक ऐसा स्पेशल अटैक होता है जिस एक अटैक में आपकी बिलियंस में हिल्ड डाउन हो जाती है, बिलियंस में, फिर किसी को भी लेके जाओ भाई। उस अटैक से अगर मैं बच गया तो सही है, अगर वो अटैक मेरे ऊपर पड़ा उसका स्पेशल वाला तो फिर मेरे को कोई नहीं बचा सकता, फिर तो मेरा भाई टाटा बाय बाय गुड बाय पकड़ के चल लो गाइस। ठीक है सो गाइस इस एपिसोड में खाली हमको एक कोलोसस बॉस को मारना था, हमने कोलोसस बॉस को मार के उसके टोकन जो है गाइस वो अपने कब्जे में कर लिए भाई। ठीक है इसके रॉकेट लॉन्चर अभी अपन यूज नहीं करेंगे, पीवीपी बैटल जब चालू होगी ना तब भाई उस बैटल में अपन यूज करेंगे, रॉकेट विकेट लॉन्चर बना लेंगे भाई। ठीक है सो फिलहाल के लिए आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल्व का प्राइमल फियर का वो यहीं पे खत्म होता है। मिल जाएगा सीधे प्राइमल फियर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगला एपिसोड द एंड वाला एपिसोड होने वाला है, एपिसोड मतलब प्राइमल फियर तो द एंड नहीं होगा लेकिन सारे के सारे बॉस जो है वो द एंड जरूर होने वाले, तो अगला एपिसोड जरूर देखना और बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड अगर आज की बॉस फाइट आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइस मिलते सीधे आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के प्राइमल फियर, तब तक के लिए प्राइमल फियर के तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। और फ्यूरॉक्स ओपी नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, फ्यूरॉक्स ने काफी तगड़ी वाली फाइट दी है यार उसको, तो फ्यूरॉक्स ओपी नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस। बाय बाय, सी यू लेटर मेरे भाई चिरॉक्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook.